दोस्तों आज की वीडियो बहुत सारी जानकारी मिल जाए कि ऐसा कैसे होता है। जब माता पिता, घर के माता पिता जब दोनों ही नौकरी करते हैं तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बच्चे कहां पर होते हैं, ये कभी किसी ने सोचा नहीं। कि माता पिता जो नौकरी पे जा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों के बारे में किसी ने सोचा नहीं, भाई नौकरी पे निकल गए। अरे भाई आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो ये वीडियो मेरे ख्याल से आज से पहले किसी की दिखाने की हिम्मत नहीं रही होगी तो भाई आपने देखा होगा दिल्ली से बाहर, लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है, माता पिता जब बाहर जाते हैं तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, एक साथ कितने बच्चे आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पर, आप बने रहना। छोटा भाई नीचे आ रहा है सूरज, इसको पूरी जानकारी है कि उस जगह पर क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या किया जा रहा है, आ जाओ। अगर इस वीडियो को किसी ने मिस किया ना तो बाद में पछतावा फील होगा कि ये वीडियो हमने क्यों नहीं देखी। खासतौर पर वीडियो माता पिता के लिए है जो बहुत ज़्यादा मस्त अपने कामों में सोच रहे हैं, टेंशन में है क्या करें कैसे करें, कुछ तो सोच भी लेते हैं, भाई हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, टेंशन में नौकरी नहीं कर पाते। आ जाओ आप दिखाऊंगा आपको मैं कि माता पिता जब बाहर होते हैं तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, किस जगह पे क्या चल रहा है। वीडियो स्किप मत करना, बाद में बोलोगे तहलका भाई वो चीज़ मिस हो गई देख नहीं पाए, स्किप मत करना, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बहुत सारे बच्चे कवर करने जा रहा हूँ और ये वीडियो हो सकता भाई 50 मिलियन चली जाए, क्योंकि आज से पहले दिखाने वाला कोई था नहीं। पहल का भाई है ना, माता पिता बाहर हैं, बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है कुछ पता नहीं यार, लोगों में हिम्मत क्यों नहीं होती वीडियो दिखाने की। यार भाई अगर दिल साफ है सब कुछ ओके हो, डर किस बात का यार, हर चीज़ दिखाया करो ना यार, ये हर एक यूट्यूबर के लिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैं हर एक चीज़ दिखाया करो। अकेला जा रहा हूँ छोटे भाई के साथ, कोई टीम और फौज लेके नहीं जा रहा मैं भैया। हमारा अकेले जाना ठीक लग रहा है क्या आपको? अकेले जाएंगे और डंके की चोट पे सब कुछ दिखाएंगे और वीडियो को पहुंचाएंगे भारत के हर एक कोने में, सारे शॉट और सब चीज सच दिखाना, बस सच देखिएगा, चिंता ना कर दो। और ठीक है आ जाओ, एक बार आ जाओ, जहाँ आपने बुलाया था वहीं पहुंच गया हूँ मैं। तो एक भाई ने कॉल किया था कि सन्नी भैया बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे हैं, तो उस भाई को बुलाया मैंने, और आपका भाई बिल्कुल मैं कहता हूँ ना डर है ना कुछ है, सामना करूँगा चौड़े में करूँगा और किसी की कोई नीड नहीं है, इसलिए डट के जीवन में खुद से आगे बढ़ो, कोई साथ नहीं देगा। टेंशन मत लेना, परेशान मत होना, जगह बताओ जगह कहाँ पर है वो, सर वो आगे पीछे की साइड है वो, ठीक है। दोस्तों उस जगह पे पहुँच गए हैं और ये जगह है, देख लो आप, अभी भी देख लो भैया, बुलाना किसी को तो बुला लो, मैं बता रहा हूँ किसी की जरूरत नहीं है तेरे तहलका भाई को, चिंता ना कर, अंदर चले एक बार, तो रुक जाएगी मिनट, पहले मैं आगे चलता हूँ, आजा। तो दोस्तों आप करते हैं हम खुलासा एक बहुत ही प्यारी सी जगह का, तो मचाते हैं बहुत तगड़ा तहलका। ये वो एक प्यारा सा स्कूल है जहाँ बच्चे फील लेते हैं कि भाई मेरे माता पिता मेरे साथ में ही है, जबकि होते नहीं है लेकिन फीलिंग ऐसी आती है, क्योंकि इस स्कूल ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, इतना जबरदस्त डे केयर है ये। भाई साहब मैं आपको यहाँ के प्रिंसिपल से मिलवाता हूँ, एक एक बात आपको सुनवाता हूँ कि यहाँ पे बच्चों को कैसे रखा जाता है, कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पर, कितना एक क्लीन स्कूल है, कितना तगड़ा यहाँ पे तहलका मचाया जाता है, कैसे बच्चे खुश रहते हैं, हर एक चीज आपको दिखाई जाएगी। उससे पहले आप नजारा देख लो, बहुत बड़ा बहुत सुंदर द्वारका का ये स्कूल है जहाँ पर सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक आपको कोई चिंता नहीं करनी, किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी, यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि बस यहाँ आपके बच्चे आएंगे सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक, आप बिल्कुल रहो, चिंता मत करो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इतने घंटे तक यहाँ पे बच्चों की केयर की जाती है और माता पिता आराम से जॉब पे जाते हैं और तहलका मचाते हैं, कहीं भी जाए माता पिता घूमने के लिए, चाहे क्लब जाए चाहे पार्टी में जाए चाहे ऑफिस जाए कहीं जाए, आपका बच्चा यहाँ पे सेफ रहेगा, फुल एंजॉय करेगा, मतलब उसको कभी फील ही नहीं होगा कि माता पिता की इसको कमी खल रही है। बच्चों के स्पोर्ट्स के टीचर है आप? यस सर। क्या क्या करवाते हैं बच्चों को आप? सर मैं बच्चों को स्केटिंग करवाता हूँ, बच्चों को स्कूल टाइम में बच्चों को एक्सरसाइज करवाता हूँ। कितनी एज से लेकर कितने बच्चों को आप ट्रेन करते हैं? सर यहाँ पे 2.5 साल से लेकर 10-12 साल के बच्चे हैं। अच्छा, सारे बच्चे मेरे ट्रेंड हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 6 बच्चे। बेटा क्या नाम आपका? आप यहाँ पे क्या करने आए हो, स्केट्स करने आए हो? कर लेते हो अच्छे से आप? मोम डैड की याद नहीं आती आपको, घर नहीं जाते आप? जाते हो? और आप तो बहुत ज्यादा मतलब खुश नजर आ रहे हो मेरे को, मतलब फुल यहाँ पे फुल एंजॉय होता है, फुल मस्ती होती है।
फुल मस्ती होती है यहाँ पर, फुल एंजॉय, फूड भी एक नंबर यमी। क्या बात है, आपका नाम क्या बेटा? यहाँ का फूड कैसा है बेटा? यमी है, अच्छे से खाते हो? कभी कभी डिमांड करते हो मेरे को मैगी खानी है, ये खाना है, वो खाना है। वेरी गुड। अच्छा स्केट्स करके दिखाना मेरे को आप। ये बच्चे, अब आप भैया, ये बच्चे की मम्मी नहीं है यहाँ पर अभी, वो 15 दिन के लिए UK गई है और फादर उनके PR है कनाडा के। अरे वाह। और ये हमारे पास बच्चा जब 1.5 साल के था तब से हमारे पास आ रहा है। तो 15 दिन से बच्चा का सोता कहाँ? ये अपनी दादी के पास रहती है, पूरा दिन तो यहाँ हो जाता है, घर पे जाती है ये सोने जाती। अच्छा। है तो पूरा डे इसका, इसको पता भी नहीं चलता कि मम्मा नहीं है। तो आई एम हैप्पी इन माई स्कूल। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि 15 दिन से मॉम डैड अपना आउट ऑफ इंडिया है और यहाँ पे बच्चा आपका फुल इंजॉय कर रहा है, फुल स्टडी कर रहा है, खाना पीना फुल मौज, और बच्चे की स्माइल बता सकती है आपको। ये बच्चे कितनी खुश है देखिए आप। ये देखो कितनी प्यारी सी बेटी है, कितनी खुश है देखो आप। तो भाई नेक काम में देरी कैसी, अपने जल्दी से बच्चों को लेकर आओ यार, अपना आराम से ऑफिस जाओ, अपने सारे वर्क करो आप। ये क्या है? ये हमारा एक छोटा सा ऑडिटोरियम है जिसमें हम अपना हर इवेंट करते हैं। Okay. अगर कोई मेरे से पूछे वाई नव्यांद्रा, हम नव्यांद्रा ही क्यों भेजे, मेरे पास हर एक पेरेंट, हर एक बच्चा हर फेस्टिवल एक्सपीरियंस करता है। Okay. मेरे यहाँ के बच्चों को ये भी पता है कि 11 दिन हम हर साल गणेश जी बिठाते हैं यहाँ पर, उनकी पूजा होती है और उनका अच्छे से विसर्जन होता है बॉम्बे वाली फिल्म में। क्या बात, तो उनका पूरा गुलाल के साथ, ढोल के साथ, उनको ये पता है, हैलोवीन भी सेलिब्रेट होता है, तो हम हर इवेंट यहाँ पर इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। Okay. अब 4 दिन बाद हम यहाँ पर होली सेलिब्रेट करने वाले हैं जिसमें हम रेन डांस पार्टी, पूल पार्टी, कालबेलिया डांस, अपना पंजाबी डांस, ये सारा प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये सारे कोविड वाले बच्चे, कोविड वाले, इन्होंने नहीं देखा हमारे टाइम पे हम कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते थे, कैसे होली सेलिब्रेट करते थे। आज की डेट में त्योहार सिर्फ एक दिन का हॉलीडे हो जाता है कि घर पे छुट्टी करी, रेस्ट किया, दूसरे दिन स्कूल आ गए। यहाँ पर वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, उसको जीते हैं। आपको भी तो त्योहार से प्यार होना चाहिए कि ये त्योहार आ रहा है, वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। अब यहाँ पर आके अगर संडे को आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपको एक अलग एटमोसफेयर मिलेगा, हर बच्चा यहाँ पर एंजॉय करेगा। क्या बात है, यहाँ पे किसी तरह की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो भाई बच्चों के लिए गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, स्केट्स, और आप देख सकते हो भाई किसी भी तरीके की कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है भाई बच्चे मॉल में एंजॉय करने आए हैं। कितना ये एंजॉय कर रहे हैं, कितनी ये मस्ती कर रहे हैं। मॉम डैड अपना ऑफिस में है, मॉम डैड ऑफिस में वर्क कर रहे हैं अपना, और यहाँ बच्चे अपना स्टडी भी कर रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से केयर की जा रही है, फुल यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर हर एक एक्टिविटी करवाई जा रही है इनके साथ। अब ये दोनों बच्चे क्या करने जा रहे हैं भैया? सर ये टाइकोंडो डेमो दिखाएंगे। अच्छा, तो बच्चे की एज कितनी, छोटे वाले की? सर इसकी 6 ईयर्स है, इसकी 10। क्या नाम है बेटा आपका? आदम। आपका नाम? ऋषभ। चलो स्टार्ट। क्या आप में क्या है भैया? ये ब्रेक है जो आपको ये बच्चा तोड़ के दिखाना। ये तो बहुत मजबूत है यार। ये छोटा बच्चा तोड़ेगा? क्यों मजाक कर रहे हो यार? अरे नहीं यार, करके दिखाना यार। मतलब यार स्कूल के अंदर बच्चे इतने अटेंड कर दिए उन्होंने यार। यहाँ पे तो यार डे केयर में तो बच्चे सिर्फ आते थे, यहाँ स्टडी करते थे और अपना खाना खाया घर चले गए। इतना कुछ आप ये ब्रिक तोड़ दोगे? नहीं तोड़ पाओगे यार, पक्का? चलो प्रूफ करके दिखाओ मेरे को आप। ओ माय गॉड, क्या बात है, क्लैपिंग तो बनती है भाई। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या ना, आप भी ब्रेक करोगे? नहीं नहीं, ये छोटा बच्चा भी कर लेगा भैया। वेरी गुड, ओ माय गॉड, लव यू बेटा, लव यू। वाह क्या तगड़ा एटीट्यूड है बेटा, ऐसा लग रहा है बिग बॉस से बेटा मैं नहीं आप होकर आए हो। जबरदस्त। मैंने आपको बिग बॉस में भी देखा, YouTube पे भी मैं आपको फॉलो करता हूं। आई लव यू बेटा। थैंक यू सर। ऐसे ही बेटा आगे मॉम डैड का नाम रोशन करना है, अच्छे से स्टडी करनी है बेटा, ठीक है? कुछ बन के दिखाना है मॉम डैड को, ठीक है बेटा? लव यू बेटा। ये मेरा स्टाफ है जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, और आप कभी भी इनसे किसी भी टाइम पे कॉल कर लो, दे आर ऑलवेज देयर फॉर किड्स, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। सो शी इज तनु, शी इज टेकिंग केयर ऑफ माई किंडरगार्टन, शी इज, दिस इज प्रीति, शी इज टेकिंग केयर ऑफ हायर क्लासेस 3rd class, शी इज अगेन प्रीति, शी इज टेकिंग केयर ऑफ नर्सरी, शी इज माई आर्टिस्ट। मेरे स्कूल में जितनी भी डेकोरेशन है, शी इज माई ड्रॉइंग फैकल्टी, तो सारी डेकोरेशन जो भी इवेंट होता है तो शी इज रेडी फॉर ऑल द डेकोरेशन, दैट इज मीन। ये मेरी एडमिन में है जो एडमिशन में हेल्प करती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, अमीशा मैम है, अंजलि मैम है, हिमांशु सर इज ऑलवेज देयर फॉर स्केटिंग एंड सेल्फ डिफेंस।
थैंक यू सो मच। ये बताओ कि यहाँ पे सुबह 8 से लेकर जो 8 बजे तक शाम बच्चे रहते हैं, इतने घंटे क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या करवाया जाता है उनसे? देखिए मॉर्निंग में स्कूल होता है, उसके बाद बच्चों को हम फ्रेशन अप कराते हैं। जब स्कूल ख़त्म हो जाता है उनका प्रॉपर बेड सेटअप है, बच्चे सोते हैं यहाँ पर, खाना खाते हैं, मील्स होते हैं, प्रॉपर ट्यूशन्स होता है, होमवर्क असिस्टेंस है, फिर बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में जाते हैं। जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई, कोई भी बच्चा 2 एक्टिविटी करता है जो हम प्रॉपर प्रोफेशनली कराते हैं। आगे उनको एग्जामिनेशन कराने हो यूनिवर्सिटी से तो वो हम कराते हैं। क्या ये हमारा सेंट्रलाइज एसी क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम्स है सारे उसमें, तो बच्चों को दोनों तरीके से होता है कि इसमें हीटिंग और कूलिंग दोनों इफेक्ट्स है। ओके। ये सारी क्लासरूम आपको सेम ही मिलेंगे ऐसा। यहाँ पे क्या होता है? ड्रम्स। ये ड्रम रूम है जिसमें हम बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कॉम्बो, ड्रम्स की प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे नंबर पे 9810250525 पे या सेक्टर 12 में हमारा स्कूल है, डायरेक्ट वॉक इन विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन सी क्लास से लेकर किस क्लास तक की स्टडी स्कूल में की जाती है? मेरे यहाँ पर प्ले ग्रुप से लेकर 15 मंथ्स टू 18 मंथ्स से बच्चे प्ले ग्रुप में एडमिशन कराते हैं टिल 8th स्टैंडर्ड। तो अपने पास जो बच्चों की संख्या वो कितनी है? देखिए एक क्लास में हम 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं अकोमोडेट करते हैं, विद वन मेन टीचर, वन असिस्टेंट टीचर एंड वन नैनी। हर क्लास में एक मेन टीचर रहेगी जो सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्सेट करेगी बच्चों के साथ। जो मेन टीचर के साथ असिस्टेंट टीचर रहती हैं उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ रहता है। नानीज को हमने वेल ट्रेंड किया है बेसिक इंग्लिश और हिंदी के साथ, तो 25 का हम स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं और ये 3 जने जो उस क्लास को संभालते हैं प्रॉपर। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? आप कैसे हो? ठीक हो आप? आप ठीक हो? ठीक हो आप? फुल बोर्ड ये मिलेगा सबसे पहले। गिफ्ट किसको चाहिए? गिफ्ट क्या चाहिए? ये किसको चाहिए? मुझे, मुझे, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको दिखाया प्यारा सा स्कूल जहाँ पे बच्चों को बेशुमार प्यार दिया जाता है, जहाँ बच्चे माता पिता को याद करते ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कमी फील होती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात, कुछ लोग वेट कर रहे थे भाई फीस की बात तो हुई नहीं, भाई पैसे इतने कम है, इतने कम है कि कम से कम 100 फोन तो आधे घंटे बाद ही वीडियो के बाद बजने वाले हैं, जो बताएगी यहाँ की प्रिंसिपल मैम। जी मैम, तो यहाँ पे अभी आपने एक मेरे को खुशी भी दे दी है कि सनी भाई, तहलका भाई, आपके नाम से जो भी आएगा उसके लिए फीस इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी कि आपके पास मेरे ख्याल से 1000 कॉल आने वाली है। तो कैसे मैनेज करोगे ये तो बताओ, इतना बड़ा स्कूल, बहुत स्पेस है हमारे पास। आपकी तरफ से जितने भी पेरेंट्स आएंगे अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे, उनका जितना भी रजिस्ट्रेशन फीस है जो हमारा हम 30,000 लेते हैं वन टाइम, वो उनके हम नहीं चार्ज करेंगे। क्या बात कर रहे हो, 30,000 ट्यूशन फीस चार्ज? नहीं, 30,000 रुपए नहीं लोगे आप? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो, कोई डोनेशन नहीं है, सिर्फ 30,000 जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन था वो भी आपके लिए जीरो हो गया है। आपके थ्रू जो भी आएगा, इसके अलावा जो हमारी मंथली फीस है 7,500 रुपए, आपके थ्रू जो आएगा उनसे हम सिर्फ 6,000 रुपए मतलब पेरेंट्स करेंगे, मतलब पेरेंट्स को 30,000 रुपए लेके नहीं आने, और 30,000 के अलावा जो 7,500 बढ़ते थे उसमें भी पैसे कम हो गए, 6,000
6000 रुपए पेरेंट्स को यहाँ पे लेके पहुंचना है और बच्चे को छोड़ जाना है। बिल्कुल। और पेरेंट्स काटे मौज, चाहे जाए ऑफिस और आप उनका बच्चा आपके पास रहेगा। बिल्कुल। क्या बात है, पूरी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हमारी है। क्या बात। अच्छा मैंने ये भी देखा, मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी आपकी, यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज भी है, हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है, बहुत बड़ी बात है जी। तो ठीक है दोस्तों, आपने जल्दी से यहाँ पे घंटी बजाओ, अपने बच्चे को लेकर आओ और जीवन में तहलका मचाओ। ये हमारी तरफ से छोटा सा टोकन आपके लिए सर, पौधा ग्रो करेगा, आप वैसे ही ग्रो करेगा। क्या बात है भाई, बहन का आशीर्वाद मिल गया, आप जीवन में बचाएंगे और तगड़ा प्यार का सेवा करके, माता पिता की सेवा करके, लोगों की सेवा करके और लोगों की दुआ लेकर। थैंक यू सो मच।